अस्सलामुअलैकुम। मैं जो है यहाँ पर नेक नामपुरा विलेज जो राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टेंसी में आता है वहाँ पर वाईएसआर कॉलोनी में हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है तकरीबन एक 5 साल से एक ऐसा टीन शेड डालकर यहाँ पर मस्जिद चल रही थी, मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ा जा रहा था। और आप हमारे यहाँ पर इमाम साहब है, आपका नाम मंजूर आलम साहब यहाँ पर इमाम साहब हैं। और आपके सामने आपका नाम अफान बिन महमूद बावजीर साहब पड़ोसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि टीन शेडों में नमाज में बहुत तकलीफ़ हो रही थी तो ये लोग जो है बालों को एक्सटेंशन कर रहे थे। आज से कुछ दिन पहले कोई मिलिट्री वाले लाकर नोटिस दिए यहाँ पर, ये नोटिस चिपका कर गए कि कोई रविंदर विश्वनाथ एडवोकेट टू द कमिश्नर मणिकुंडा म्यूनसिपैलिटी मणिकुंडा रंगारेड्डी। और यहाँ पर जो इस प्लाट के ओनर है जिन्होंने मस्जिद के लिए डोनेट किया है, जनाब अयूब खान साहब के नाम पे एक नोटिस दिए कि ये जो है रेसिडेंशियल कॉलोनी है, आप इसके अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, आपको जो है हम घर बनाने के लिए परमिशन दिया, आप कैसा मस्जिद तामीर कर रहे हैं बोल के। तो अचानक परसों रात में जो है अब ये पता नहीं कि किसने तोड़ा ये मस्जिद को, ये गली में पूरे सीसीटीवी कैमरों पे जो है रात में कपड़े बने, ये लोग कपड़े बन के रात में आके देखिए ये एक्सा ब्लेडा हैं, ये पूरे ब्लेडों को इस्तेमाल करते हुए पूरी मस्जिद आप देख सकते हैं कि पूरी मस्जिद को शहीद कर दिए, जो नई तामीर थी उसको भी शहीद कर दिए, और जो पुराना जो बना हुआ था जो बाथरूम वगैरह बना हुआ था वो भी पूरा तामीर कर दिए। तो मैं हमारे महबूब आलम साहब जो पेश इमाम साहब हैं उनसे गुजारिश करूंगा, क्या वाकया क्या हुआ ये बोलिए ज़रा, बोलिए ज़ोर से बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जब सुबह आए नमाज पढ़ाने के लिए यहाँ तब देखा कि पूरा टूट फूट के गिरा हुआ है। जब मस्जिद खोली उसके बाद इधर आजू बाजू देखा कि अपने बाथरूम के नल वगैरह सब टूट के गिरा हुआ है। उसके बाद फिर मैं 5 मिनट के बाद अपने सदर साहब को फ़ोन लगाया कि देखो मस्जिद को पूरा तोड़ के गिरा दिए नीचे, आप जल्दी आइए। उसके बाद हमारे सदर साहब बोला ठीक है, हम अपने जो खास आदमी हैं सबको लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले वो आधे घंटे के बाद वो अकेले आए देखने के लिए, उसके बाद देख सुन के गया। उसके बाद फिर 9-10 बजे फिर बहुत सारे आदमी को लेके आए थे। मैंने मुकामी पुलिस में आप लोग कंप्लेंट करिए तोड़ने के बाद में, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये हमारे पड़ोसी जो है बावजीर साहब हैं, जरा बोलिए पूरा वाकया क्या है, ये मस्जिद कितने साल से है? अभी ये तो अपना कंस्ट्रक्शन नया चालू हुआ, इधर अभी घर बन रहा था, अभी यहाँ पर परमानेंटली तो अभी रह रहे नहीं, अभी तो चल रहा है काम सिर्फ। तो बस मेरे को इतना मालूम हुआ कि मस्जिद शहीद हो गई है, पूरा पाइप लाइनिंग पूरी जितने भी है लगभग आप प्लम्बर के पूरा मतलब वजू खाना पूरा मतलब तोड़ दिए कर दिए, हर चीज खराब हो गई। तो मेरे को फोन आया कि भाई ऐसा चीज हो गई, सीधा आया मैं देखा तो क्या है पूरा तोड़ फोड़ पूरा बीच बीच एक एक टूटी तक भी नहीं छोड़े, यहाँ तक कि टैंकी तक भी नहीं छोड़े। टैंकी तो छोड़ दो, कपड़ा तो छोड़ो, कैमरे में देखे कपड़ा बन के वो कौन करे अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह लोगों को आखिरत में देखेगा। अच्छा, यहाँ पर जब ये वाकया पेश आया आप लोग कोई पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करे आप लोग? अयूब भाई तो वो तो पुलिस तो यहाँ पर थी, मेरे को पुलिस स्टेशन लगता आपको? ये पता नहीं, अभी तो नया अपना कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है यहाँ पर, तो ये नारसिंह पुलिस भी थोड़ी सपोर्ट करी, नहीं बोल के नहीं आके बैठे वो लोग भी, लेकिन जब तक काम कर रहा था करे, पीछे से मिलिट्री वाले भी आए वीडियो लिए करे, लगा बच्चे काम कर रहे थे वीडियो ले रहे थे, बोला मुश्किल नहीं है छाते पे गोली खाएंगे मसला नहीं है, अपन अपनी मस्जिद के आस्ते आए। मेरी गुजारिश है हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से, महमूद अली होम मिनिस्टर साहब से और केटी रामाराव साहब से कि ये किसकी हिम्मत हुई, क्या मिलिट्री वाले तोड़े आके मस्जिद को रातें रात, ये कपड़े कौन बने पूरे कैमरों पे, पूरा रिकॉर्डेड है ये, और मुकामी जो पुलिस लग रही है यहाँ पर, तो इसके खिलाफ में मैं वक्फ बोर्ड से भी गुजारिश करूंगा कि शिकायत करें, इसके ऊपर केस बुक होना चाहिए, कोई भी रहने दीजिए, चाहे वो मिलिट्री वाले तोड़ने दीजिए या आम आदमी तोड़ने दीजिए या कोई फिरखा परस्त तोड़े, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना, पूरे सीसीटीवी कैमरास का रिकॉर्ड निकालना, और ये टूल कौन यूज कर सकता है, ये कोई ना कोई
देखिए आप ये पूरे ब्लेडों पे जो है यहाँ पर मेड इन बोल के क्या लिखा हुआ है, मैं ये पुलिस में सबमिट करूंगा। ये इंशाल्लाह मेरी फिर से गुजारिश है, ये जो मिलिट्री का एरिया लग रहा है, हो सकता है इसमें ये लोग एतराज कर रहे होंगे। मिलिट्री के भी आला अहदेदारों से बात करेंगे, वाकोर्ट वालों से भी बात करेंगे, और ये जो प्लाट डोनेट करें उनसे अयूब खान साहब से भी हम बात करेंगे। और इंशाल्लाह मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 5-6 साल से नमाज हो रही है, और मस्जिद को ये लिए किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो मिलिट्री रहो चाहे पुलिस रहो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, यार जिंदा, सोबत बाह। अयूब भाई बोल के सदर साहब है, मालूम पहचान तो अयूब भाई है। बोनपल्ली वाले बोन बेटे नंबर उनका नंबर दिया जरा बात करें। कल दादा ऊपर हूँ और एक दूसरा फोन में मंजूर आलम कहाँ के, बिहार के हैं, यहाँ पर कोचा दमन किशनगंज, कहाँ रहते किशनगंज में, किशनगंज में बहादुरगंज, बहादुरगंज, बहादुरगंज में कहाँ रहते, कठहलवाई पर, कठहरी। आप? मैं जिला गुरुकुंड में रहता हूँ, मैं सिर्फ मस्जिद के लिए आया, लंबा वो वाकया आपको देना। वाकया क्या हुआ यहाँ पर?